तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मेगा जीनियस में एक बार फिर से। तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे रेनगेज वगैरह के बारे में, रेनगेज के कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग बना रहे थे और बना भी था एक क्वेश्चन हम लोग मैंने बनाया था ईएससी का कुछ क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व भी करवाया था और सॉल्व भी करा था, बना भी था। ठीक है, तो अब रेनगेज हम लोग उसमें क्या निकाले थे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज निकाल रहे थे। ठीक है, तो उसी को लेकर एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा उससे हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम उसको और आगे बढ़ाते हैं उस टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन है कि अ कैचमेंट हैज सिक्स रेनगेज स्टेशन, यहाँ पर सिक्स रेनगेज स्टेशन दिया हुआ है, स्टेशन ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसमें ये पी का जो वैल्यू दिया हुआ कि कितना रेनफॉल कहाँ कहाँ हुआ है सेंटीमीटर में, पहला में 82.6, दूसरा में 102.9, तीसरा में 180.3, चौथा में 110.3, पांचवा में 98.8, छठा में 136.7। ये क्या दिया हुआ है, रेनफॉल वैल्यू दे दिया है, कितना रेनफॉल कौन से स्टेशन पे हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपको इरर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इरर दिया हुआ है कि फॉर द 10% इरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल, इसमें इरर कितना हो रहा है, 10% इरर दे दिया गया है, इरर 10% हो रहा है, हो सकता है। ठीक है, अब हो रहा है कि फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज, बताइए कितना नंबर ऑफ रेनगेज यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज कितना होना चाहिए, ये पूछा यहाँ पर। चलिए, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, पहले वो देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़े हैं एन इक्वल टू सीबी बाई ई का होल स्क्वायर। ठीक, ये पढ़ते हैं, अब सीबी निकालने के लिए कह रहा है सिग्मा एन माइनस वन इंटू 100 बाई पी बार, ये पढ़ते हैं। अब पी बार, पी बार निकालने के लिए भी कुछ फॉर्मूला था, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी एन तक बाई में एन था। ठीक है, पी बार निकालने के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, सिग्मा एन माइनस वन निकालने के लिए क्या था, तो पी क्या क्या था बताइए, तो हम तो पी वन माइनस पी बार का होल स्क्वायर प्लस पी टू माइनस पी बार का होल स्क्वायर, कहां तक, लास्ट तक हम लोग जाते थे ना, बाई एन माइनस वन करते थे उसका रूट। ठीक है, वही चीज है। चलिए, इसमें जो दिया हुआ है छह दिया हुआ है, तो छह का क्या निकाल देंगे, चार सबका सम बाई सिक्स, सबका सम बाई सिक्स कर दिए, कितना 118 आया ना, कितना आया 118.6। यहाँ पे मैंने पी बार निकाल लिया। ठीक है, अब जब पी बार निकाल लिया, तो पी बार निकलने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, सिग्मा एन माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना, सिग्मा एन माइनस वन, देखिए सिग्मा एन माइनस वन निकाला तो 82 माइनस पी बार का होल स्क्वायर प्लस 102.9 माइनस पी बार का होल स्क्वायर, उसी तरह एट लास्ट का 136.7 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर बाई एन माइनस वन, एन कितना था, सिक्स था, तो सिक्स माइनस वन फाइव हो जाएगा, सिक्स माइनस वन इसका पूरा होल का अंडर रूट, पूरा का अंडर रूट कर देंगे। सिग्मा एन माइनस वन कितना आया, 35.04, कितना आया बाबू, 35.04, यहाँ ए मेरा सिग्मा एन माइनस वन आ गया, ए मेरा पी बार आ गया। अब सीबी निकल सकता है सिग्मा एन माइनस वन बाई पी बार निकल सकता है ना, सिग्मा एन माइनस वन बाई पी बार, अब दिखाते हैं आपको, सिग्मा एन माइनस वन 35.04 और पी बार 18.6 होगा, सॉरी यहाँ पे वन लिखना मैंने भूल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कितना 118.6 है ना, 118.6। ठीक है, इंटू 100, अब इसी सीबी की सीबी कितना निकला, 29.54, कितना निकला बाबू, सीबी 29.54 यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, इससे सीबी निकाले हैं। ठीक, अब जब सीबी निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को बताइए, जब सीबी हम लोग को निकल गया, तो सीबी निकलने के बाद क्या एन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, सीबी बाई ई का होल स्क्वायर, सीबी कितना निकला 29.54 बाई ई कितना दिया था 10%, 10 लिख लिए उसका होल स्क्वायर, तो कितना ऐसे कितना निकला 8.72। पॉइंट में तो कभी भी पॉइंट में उतरा नहीं सकता है, और हम लोग ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज इससे कम दे नहीं सकते, तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, 8.72 की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेनगेज कितना होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोग रेनगेज निकाल लिए। ठीक है, अब कोई रेनगेज दिया हुआ है, वहां पर कुछ मिसिंग डाटा है, कोई बहुत सा डाटा दिया हुआ, उसमें एक डाटा उसमें नहीं दिया हुआ, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये हो सकता है ना, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है और एक डाटा उसमें मिसिंग है, तो वो डाटा कैसे निकालेंगे, उसका भी बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा मेथड्स वगैरह है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब वो जानने से पहले एक चीज हम लोग और जान लेते हैं कि पहले डाटा तो किसका किसका डाटा निकाल सकते हैं, डेली रेनफॉल का निकाल सकते हैं, एवरेज एनुअल रेनफॉल का निकाल सकते हैं, या फिर एनुअल रेनफॉल का निकाल सकते हैं, अब तीनों का मतलब क्या होता है वो चीज हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले है डेली रेनफॉल, तो डेली रेनफॉल का मतलब क्या है, रेनफॉल कलेक्टेड इन लास्ट 24 आवर, मतलब 24 घंटे में
जो भी जनरेशन कलेक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेली रेनफॉल। ठीक है, मतलब जो रोज रेनफॉल कलेक्ट होता है, जो रोज का रेनफॉल होता है उसको हम डेली रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, अब एनुअल रेनफॉल क्या होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो कलेक्ट होगा कितने दिन में, एक साल में, उसको हम क्या बोलेंगे एनुअल रेनफॉल। टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल कलेक्ट इन वन ईयर, जो एक साल में अपने पास रेनफॉल कलेक्ट हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं एनुअल रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद एक और आता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है, तो जो भी रेनफॉल, जो भी एवरेज एनुअल रेनफॉल का एवरेज किसका, 35 साल के रेनफॉल का एवरेज जो भी होगा, तो कितना जो भी आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, मान लेते हैं इंडिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होगा, 120 सेंटीमीटर, मतलब कि 35 साल में इंडिया में कितना बारिश होता है, तो 120 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक और जो पढ़ना है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। अभी नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ पार्टिकुलर मंथ ईयर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एवरेज रेनफॉल है किसका, कोई भी पार्टिकुलर जगह का। ठीक है, कोई पार्टिकुलर मंथ का, कोई पार्टिकुलर मंथ का, जनवरी का एवरेज रेनफॉल निकाले तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन में कितना प्रेसिपिटेशन होगा, तो भी ईयर का निकाल सकते हैं इस ईयर में कितना प्रेसिपिटेशन होगा ओवर अ स्पेसिफाइड 30 ईयर पीरियड, मतलब 30 ईयर पीरियड में कितना हुआ कितना नहीं हुआ। मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 24 अप्रैल लास्ट 30 ईयर के एवरेज में। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 10 ईयर में क्या लिखा हुआ है, दो बार चेंज करते रहते हैं। ये क्या होता है, 10 बार में क्या हवा चेंज, में 30 ईयर का देख रहे हैं, 30 ईयर का देख रहे हैं, तो 10 ईयर के बाद इसको क्या करेंगे, चेंज कर लें, अगले 10 ईयर के लिए भी ऐड हो जाएगा। अभी मान लेते हैं कि हम 2010 से 2030 तक देख रहे हैं, जैसे 10 ईयर कम्प्लीट होगा उसके बाद 2000 से 2030 तक देख रहे थे, 30 साल के लिए हो गया, तो जैसे 10 ईयर पार करेगा तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे 2010 से 2040 तक कर देंगे, तो यही 30 ईयर का पीरियड हमेशा चेंज होते रहेगा, समझे। चलिए, अच्छा ये सब निकालने के, इसमें मिसिंग डाटा वगैरह है, मान लेते हैं कोई चीज, वो सब निकालने का कुछ फॉर्मूला वगैरह है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें कुछ मेथड्स वगैरह है, बहुत सारे मेथड्स है, तो वो मेथड आपको बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, अर्थमेटिक मीन मेथड। पहला मेथड क्या है, वो अर्थमेटिक मीन मेथड। मान लेते बहुत सारे नंबर सब दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पे इतना रेनफॉल हुआ, यहाँ पे इतना रेनफॉल हुआ, तो बताइए यहाँ पे कितना रेनफॉल होगा, इस तरह का अगर दिया हुआ है, उसमें वो निकालना है कि भूला हुआ जो नहीं है, जो नहीं आया है, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले अर्थमेटिक मीन मेथड कब हम लोग यूज करें पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ये हम मेथड कब यूज करेंगे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन n1 n2 n3 इनपुट डिफर बाय nx बाय लेस देन 10%। ठीक है, जो भी यहाँ पे आ रहा है n1 n2 n3 इनपुट वो कितना से डिफर करना चाहिए, बस वो 10% या फिर उससे कम से डिफर करना चाहिए, 10% या उससे कम से डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कैसे, तो मान लें यहाँ पे P1 P2 P3 P4 ये तो दिया हुआ क्या है, रेनफॉल डाटा। ठीक है, और उसमें से PX भी दिया हुआ, ठीक है, PX भी है, लेकिन PX का डाटा मेरे पास नहीं है, PX का डाटा मेरे पास नहीं है, तो तब क्या निकालेंगे, तब सीधा हम ये यूज कर सकते हैं, जितने जो भी दिया हुआ है सबका सम कर देंगे बाय में, कितना नंबर ऑफ रेनफॉल है एन तक है, n तो उससे क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट मेरा PX निकल जाएगा, जो मैं बुलाया हुआ डाटा है वो मैं यहाँ पर निकल सकता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, नॉर्मल रेशियो मेथड। दूसरा मेथड क्या है, नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है ना कि अगर n1 n2 n3 क्या हो डिफर करता है nx से, जब 10% से ज्यादा, वो क्या है 10% से कम अगर डिफर कर रहा है तो अर्थमेटिक मीन मेथड यूज करेंगे। अगर 10% से ज्यादा डिफर कर रहा है n1 n2 n3 n4 ठीक है, तब क्या करेंगे, तो हम नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा px इक्वल टू nx बाय n, nx बाय n, तो nx क्या हो जाएगा बताइए, तो nx क्या हो जाएगा, इसको तो आप लोग क्या करेंगे, nx क्या होगा वो आप इसके कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करेंगे, nx क्या होगा, nx को क्या कहेंगे। ठीक है, बाई अब इसको करेंगे अंडर ब्रैकेट p1 बाई n1 प्लस p2 बाई n2 डॉट डॉट px बाई nx तक, कहाँ तक, px बाई nx तक जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, अब इसको बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, अब ये कब यूज करेंगे, ये हम लोग कब यूज करेंगे, इसका नाम क्या है, नॉर्मल रेशियो मेथड। कौन सा है, नॉर्मल रेशियो
बेहतर। अच्छा यहाँ पे आपको इंडेक्स समझ में अगर नहीं आ रहा है, पीएक्स समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो आपको एक दो क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखिए कि अगर यहाँ लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, इफ एनी वन ईयर डाटा मिसिंग इन एनी डिकेड्स, ठीक है, देन टेक द उससे पहले 30 साल का डाटा, ठीक है, 30 डेट का डाटा। ठीक है, कि अगर किसी भी साल का डाटा खोया हुआ है, सॉरी क्या बोला, अगर किसी भी एक साल का डाटा खोया हुआ है किसी भी 10 साल में, ठीक है एक साल का डाटा खोया हुआ है किसी भी 10 साल में, तो उससे पहले क्या हम लोग 30 साल का डाटा लेंगे, कितने साल का डाटा लेंगे, 30 साल का डाटा लेकर उसमें बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 2011 था, 2020 था, ठीक है, यहाँ था चलिए 10 साल में 2011 2020, यहाँ पर 2016 का डाटा मिसिंग हो गया, जैसे 2021 से 2023 चल रहे हैं, 2024 का डाटा मिसिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, 10 साल लेंगे, मतलब 1981 से 2010 तक का लेंगे। ठीक है, यहाँ इसमें क्या लेंगे, तो 1991 से 2021 तक डाटा लेंगे कि हाँ यहाँ पर कितना प्रेशर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन वगैरह है, ये कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एनएक्स क्या है, एनएक्स क्या नहीं है, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पे रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसे आपको अगले वीडियो में बताते हैं जिससे आपको यहाँ पूरी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एनएक्स क्या हो रहा है, पीएक्स क्या है, कुछ यहाँ पे मालूम चलेगा। ठीक है, खैर चलिए रखते हैं, आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।